आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर बेपना मोहब्बत, जो बेपना प्यार और बेपना इश्क का नेक्स्ट पार्ट बताया जा रहा है, वो कब तक आएगा। तो जानने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई नई मसाला दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि कई फैंस पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब आने वाला है उनका नया कोई टीवी शो सुरभि शरद का। और अभी तो जैसी हालत है, जैसे सुरभि ने बताया है कि अभी उनका लगता है आने वाला प्रोजेक्ट ये बेपना इश्क वाली सीरीज होगी। सुरभि ने बताया इसके 4 पार्ट हो सकते हैं, तो ये खुशखबरी की फैंस के लिए बात है, ये जल्दी ओवर नहीं होने वाला है। और जहाँ तक बात रही है कब तक आया, तो आपको पता है कि बेपना इश्क आने में इतना समय से लगा था क्योंकि पैंडमिक चल रहा था। अब चीज़ें क्योंकि बेहतर है, सुरभि शरद जल्दी काम करेंगे। आपने देखा इसने जो नया वीडियो था बेपना इश्क ने, बेपना प्यार को भी पीछे छोड़ दिया और 1 महीने में 39 मिलियन व्यूज़ ये ला चुका है और फैंस इसे सपोर्ट करते रहे। तो सुरभि शरद जल्दी लाएंगे, इसकी ही परफॉर्मेंस डिफाइन करेगी कितनी जल्दी आएगा। और देखने से लग रहा है कि 2-3 महीनों में ही शुरू हो सकती है। हम आपको ये भी बता दें कि शरद का जो ये नया गाना माना जा रहा है यारवन, हो सकता है ये बेपना प्यार या इश्क से ही जुड़ा, क्योंकि सुरभि शरद ने बताया था कि वो इसे एक सीरीज़ की तरह देख रहे हैं, म्यूज़िक सीरीज़ जैसे वेब सीरीज़ होती है। तो हो सकता है ये उससे कोई पार्ट हो, हिंट कर रहा हो कि ये उसी दुनिया में हो रहा है जहाँ सुरभि शरद की ये म्यूज़िक वीडियोज़ भी हो रही हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखना, लेकिन अभी भी कुछ भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता। और शरद कृतिका फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि शायद मोहब्बत है तुमसे सिर्फ एक रूमर ही है और वो असल में ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर नहीं काम कर रहे हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं, आगे होगा क्या।